नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः हम आपको वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति फ के क्षेत्र अंतर्गत वाकनपाड़ा चौधरी कंपाउंड में लेके आए हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम से कितना भयंकर विकास वसई विरार महानगर पालिका द्वारा किया गया है। विकास ऐसा है कि जो धरातल से उठकर आसमानों तक वसई विरार महानगर पालिका की गाथाओं को बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वाकनपाड़ा चौधरी कंपाउंड के हर एक हिस्से की तस्वीरें, जहां की सड़कें कीचड़ से लबालब भरी हुई हैं, वहां अस्वच्छता का वातावरण है, गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। और यहाँ महानगर पालिका दम भर दी है कि हमने विकास किया है। तो विकास किस तरह से किया गया है, ये आप तस्वीरें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने भयंकर विकास कार्य वसई विरार महानगर पालिका कर रही है। आपको बताते चलते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका ये साथ ही साथ ये भी दम भरती है कि उन्होंने जितना विकास महानगर पालिका बनने के बाद से किया है, उतना विकास आज तक कभी हुआ नहीं है और ना ही कहीं हुआ है। ऐसा स्थानिक हर वसई विरार के हर क्षेत्र के नगर सेवकों का भी यही कहना है। परंतु ये विकास तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको एक ऐसी चीज बताते हैं कि आप शायद आपको नहीं पता होगी। आपको एक ऐसी बात हम बताना चाहते हैं कि अमूमन महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि, और महाराष्ट्र सरकार की ये पॉलिसी है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो होते हैं वो रिहायशी इलाकों से दूरी पर बनाए जाएं, और इसके लिए कई कानून भी बनाए गए हैं। परंतु वसई विरार महानगर पालिका इन सारे नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से रहिवासी इलाकों में इंडस्ट्रियल जोन का निर्माण हो रहा है, और ये इसकी एक वानगी भर है। आप इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल जोन है और अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल गालाए हैं, जहां पे विकास कार्यों को एक आयाम या फिर मान लिया जाए कि महाराष्ट्र की जीडीपी को ग्रोथ करने की एक व्यवस्था की गई। किंतु इसके साथ ही साथ विकास की ऐसी अद्भुत छवि, अद्भुत दृश्य सिर्फ आपको वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कीचड़ से लबालब ये सड़कें भरी पड़ी हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग या फिर यहाँ पे काम पर आने वाले लोगों को कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ही एक अवैध निर्माण का भी कार्य शुरू है, जो भी शायद एक ऐसा ही रूप लेगी, अवैध इंडस्ट्री के माध्यम से ये भी बनेगा। तो अभी इस विषय में महानगर पालिका को अगर शिकायत की जाएगी तो महानगर पालिका का एक ही कहना होगा कि रास्ता खराब है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, हम कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मानसिकता है वसई विरार महानगर पालिका की। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम में, तस्वीरें आपको बहुत कुछ बता रही हैं, परंतु वसई विरार महानगर पालिका को फिर भी चेत नहीं आएगा और इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये रोना रोएंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। बने रहिए हमारे संग, और भी हम रोचक तस्वीरें आपको लेते आएंगे, लेके दिखाएंगे, क्योंकि अब मानसून आ गया है और वसई विरार महानगर पालिका की पोल खुलनी तय है। आप देख रहे थे लोकल खबरें। जय हिंद, जय भारत।